जैसे किसी ने कहा एक बगीचे में आम फरा था, आम पका था, देखा कौन आंख। अगर ये कमबख्त आंख देखा नहीं होता तो मन में लालच नहीं आती। आंख ने देखा, जो देखा वो गया नहीं, और जो गया वो तोड़ा नहीं, और जो तोड़ा वो रखा नहीं। समझ में, जो तोड़ा वो खाया नहीं, और जो खाया वो रखा नहीं, वो आगे चला गया। अब आप एक मिनट के लिए सोचिए, आम को देखा था आंख, आंख नहीं गया, पैर गया, और तोड़ा किसने, हाथ ने, और हाथ ने तोड़ा तो खाया नहीं, खाया मुंह। और विश्वास करिएगा, मुंह ने खाया लेकिन रखा नहीं, आगे भेज दिया। और उधर से उस बगीचे का मालिक आया और खींच के एक लाठी मारा, तो सबसे पहले रोया कौन, आंख और मुंह, दो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंख देखा था, मुंह में पानी आ गया था। ये दो लोग बहुत जल्दी गलती करते हैं। और ये आंखों का कम, मैं आपसे कैसे बताऊं, ये आंखों का सबसे बड़ा भ्रम है। अच्छा चीज देखने में ना बड़ा टाइम लगा देगा, और बुरा चीज देखने में इतना फास्ट दिखा देगा आपको ना, आप विश्वास करिए। और एक चीज बताएं, अभी कोई चोरी करने जाने चोरी कर रहा हो तो अंदर से एक बार ऐसा आएगा, एक बार कहेगा थोड़ा सा अच्छे से देख लो, कोई दिख तो नहीं रहा है। अंदर से एक 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 आपको एक तरफ से मना करेगा मत करो, और एक तरफ से आपसे कहेगा देख लो कोई नहीं दिख रहा है ले लो। आपके जो आपके अंदर डर आ रहा है, कोई देख लेगा देख लेगा, ये क्या है, कोई मना कर रहा है अंदर से। और आप अगर घर में किसी से बहुत डरते हो ना, ऐसे हाथ लगाने चलोगे ना डर लग जाएगा, अगर मेरे चाचा मेरे पापा अगर सुन लेंगे, अंकल जी सुन लेंगे, मम्मी सुन लेगी, क्या होगा मेरा, आपके अंदर डर। इसीलिए कहा जाता है डर होना चाहिए। अगर आप किसी से डरेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे कोई डर नहीं है, तो इसमें डर नहीं है, इसका आपका बहुत बड़ा बड़कपन नहीं है।